बाद आपको बीजेपी का वजूद ही नजर नहीं आया। अगर हम बात करें तो इस वक्त लद्दाख के बिल्कुल करगिल में इस जश्न का माहौल बना हुआ है, क्योंकि आप सब जानते हैं लद्दाख पार्लिमानी इंतखाबात की बात की बड़े सालों के बाद जो है करगिल से अलायंस कैंडिडेट मोहम्मद हनीफा जान ने जीत हासिल की है। ऐसे में तमाम पोलिटिकल लीडर्स का अहम रोल वहाँ मिलती है। अजगर अली शेरवाली साहब आपका एक अहम रोल देखने को मिला है इसमें, और सभी पोलिटिकल लीडर्स के हवाले से बात करते हैं या पार्टीज के हवाले से बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को आपका सपोर्ट नहीं मिला, बल्कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बड़े मार्जिन से जिताया। बड़ा मकसद क्या था और इस जीत को किस तरह देखा? किसी का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो जीत हासिल हुई है लद्दाखी आवाम की जीत, और ये हमारे पीछे लोगों के देख रहे हैं इन्हीं की जीत है। इसमें हर एक ने अपने अपने कंट्रीब्यूशन किए हैं और ये जीत इसमें दर्ज की थी, क्योंकि बीजेपी ने लद्दाख की आवाम आवाज को दबाने की कोशिश की, इनके हकूक छीनने की कोशिश की, इनके बच्चों के मुस्तकबिल को ख़त्म करने की कोशिश की, ज़मीन पे जो राइट वो ख़त्म करने की कोशिश की, और आज इन सारी चीज़ों का जवाब लद्दाख की आवाम गलत फहमी पैदा न कर लेना करगिल की आवाम है। किसी पार्टी का, किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी इदारे का कोई ये नहीं है, सारे लद्दाखी आवाम है जिन्होंने अपने नुमाइंदे को इतनी बारी अक्सरियत दी, और ये पहली बार नहीं है डियर अब जर्नलिस्ट को, ये पांचवी बार है जो करगिल ने अपने नुमाइंदे को पार्लियामेंट में भेजा है। You know.